दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो बहुत लोग कमेंट किए थे कि मतलब आपका ब्लॉग रेगुलर क्यों नहीं आ रहा। तो दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत थी, इनका गुड़िया जी को जो पैर है ना वो फूल रहे हैं, और साथ ही मेरा जो तबीयत था ख़राब था। अभी सुबह के बज चुके हैं 9, अभी नहा करके फ्रेश हुआ हूँ, छत पे आया हूँ और बहुत ज़्यादा धूप है। आप लोग तरफ धूपें हैं या बारिश का मौसम है अभी? तो किस तरह बारिश का जो मौसम बनाए हुए है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके तरफ कैसा और है मौसम? हम लोग के तरफ बाढ़ भी आ गया है। बाढ़ भी आ गया है, उसका भी ब्लॉग आप सभी को दिखाएंगे। तो अब चाहेंगे कि दोस्तों रेगुलर ब्लॉग आए, ऐसे तो बीच में गैप ही हो जाता है कब। बहुत बार हम बोले कंटेंट के साथ हम लोग, हाँ बहुत बार ऐसे बोले हैं कि रेगुलर आएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब रेगुलर ही ज़्यादातर आएंगे। तो अभी मेरे तरफ बाढ़ भी आया है, तो आप लोग को बाढ़ का भी ब्लॉग आप सभी को दिखाएंगे। तो अभी छत पे हैं, तो अभी जाऊँगा नीचे, और चीकू भी नहीं है, और इधर का कुछ लोकेशन आप सभी को दिखा। दोस्तों, यहाँ पर का लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों जो सिम टावर हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ठो हैं जो कि सिम टावर है। और यहाँ जो नेट की स्पीड है वो बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं, अपलोडिंग भी और डाउनलोडिंग भी। और इधर गुड़िया जी, और यहाँ पर ये टंकी इस तरह का लगा हुआ है, यही से पानी जाता है। और यहाँ का लोकेशन वो चली गई। अभी हम लोग छत पर से नीचे आ गए हैं, साथ में चीकू भी, और यहाँ पे खाना भी है जो कि आ चुका है। तो मुझे अभी बुखार लग रहा है ना, तो इसलिए मतलब रोटी ही खाना पड़ेगा, रोटी दाल, और मुझे तो खा लेंगे उसके बाद दवा भी खाना है। फटाफट से हम खा लेते हैं, उसके बाद दवा भी खा लेते हैं। तो खाना वाना खा ली हैं, और जो कि गुड़िया जी हैं मैं दवाइयाँ भी दे दी हैं खाने के लिए। तो जब भी मैं कभी भी दवाई खाता हूँ तो अपनी माँ की याद आती है। अब क्योंकि बचपन में जो माँ ऐसे नाक छिप करके दवाइयाँ खिलाती थी ना, उसका बात ही अलग है। क्या बोलूँ, माँ का जो दवा खिलाते हैं, तबीयत खराब हो जाता तो पहले बच्चे रहते थे तो मम्मी दवा नहीं करे तो मम्मी नाक चीप करके अच्छे से दवा खिला देते। अभी तो है ही नहीं, खुद से मतलब करना होता है। ये गर्म पानी दोस्तों, क्योंकि आपको भी अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो ज़्यादातर गर्म पानी का ही यूज़ कीजिएगा, ऐसे कि जितने ज़्यादा परहेज होते हैं उतने जल्दी रोग ख़त्म होते हैं, इसलिए परहेज करना बहुत ही जरूरी है। तो अभी मैं तुम भी दवा खाओगे? पापा के दवाई खिला दो, नाक चिप कर। सिर्फ लो सिर्फ, ऐसे नाक चिपाएगा, ऐसे नाक चिपाएगा, बताओ तुम ऐसे नाक चिपाएगा, तुम्हारा नाक ऐसा चिपका। और ये रहा सिर्फ जो कि खांसी का है, और यहाँ सबसे भी गंदी का होगा खांसी जैसा एक वो बना हुआ है, तो वो वाला खांसी का है। नहीं, अपना पी। अभी इवनिंग का समय हो चुका है और मेरा तबीयत ख़राब था, अभी भी मतलब दवा चल ही रहे हैं। तो सो गए थे, उसके बाद उठे फ्रेश हुए, तो उधर गुड़िया जी को देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, क्या कैसा है, ठीक हो? उनका भी पैर फूला हुआ है, फिर भी बैठे हुए हैं। सोच रहे हैं कि कुछ दिन में गुड़िया जी के गाँव लेकर जाएँ, उन्हीं के गाँव पर, क्योंकि डिलीवरी में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। कितना ना मतलब मुश्किल से 15-20 दिन बचे हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, रात भर सोते नहीं हैं। और हमें भी मतलब तबीयत खराब रह रहा है, तो हम भी सोते नहीं हैं, इसकी वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं आते। तो अब हमें जाना है गांव पे, क्योंकि गांव पे भी कुछ काम है, तो अभी निकलेंगे, उसके बाद आधा एक घंटा में तुरंत आ जाएंगे। तो उधर मेरे गाँव हुआ है, तो उसका ब्लॉग आप सभी को दिखाएंगे। गांव से आ गए हैं, आने ही देखे तो गुड़िया जी रो रहे थे, तो रोने का रीज़न भी है दोस्तों, क्योंकि गुड़िया जी का पैर फूल रहे हैं, और मतलब गोड़ में टटैनी रहता है, ऐसे मतलब इलाज करवाने जाना है। तो वो मतलब कल सुबह चले जाएंगे इलाज करवाने के लिए, और मतलब जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत ही नज़दीक आ गए है ना, जिसके वजह से। तो आप लोग बताइएगा कि मतलब गोड़ में जो टटैनी होता है वो किसके वजह से होती है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है। कोई लोग इंसान बोले कि खून की थोड़ी कमी रहती है उसके वजह से, और अलग अलग तरह से मतलब बताया है। तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा,
क्योंकि आप मेरे फैमिली हैं और ब्लॉग मतलब रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप लोग को भी लगता होगा। और लाइक आप लोग बहुत ही कम कर रहे हैं, ऐसे मतलब हम गांव के ही मतलब हैं, अपनी सुविधा के लिए कुछ यहाँ पे आए हुए हैं। और हर इंसान की मतलब ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रॉब्लम से मतलब घबराना नहीं चाहिए, बड़े से बड़े लोगों को आते हैं ना। और गुड़िया रो रही थी तो मतलब इनको किसी तरह से चुप करवाएं, और क्या बोले, अपनी जो कि प्रॉब्लम है मैं जल्दी शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है मतलब शेयर करेंगे तो, इसलिए बहुत लोग तबीयत भी मेरा ख़राब रहा, भी खांसी भी है बहुत ज़्यादा। तो चलिए जो होगा जो अच्छे होंगे। और अभी खाना बन रहा है, आप सभी को आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा, तो देखते हैं, देख लीजिए कि क्या बन रहा है। इधर भुंजिया बन रहे हैं, तो गुड़िया जी को खड़ा रहने में प्रॉब्लम हो रही है ना, इसके वजह से भुंजिया है जो कि हम ही बनाएंगे। और किन किन लोगों को भुंजिया जो है वो पसंद आते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन भुंजिया बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोगों को सब्ज़ी अच्छे लगते हैं या भुंजिया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उधर गुड़िया जी ऐसे ही बैठे हुए हैं, पैर बहुत ज़्यादा फूल रहे हैं। दोस्तों भुंजिया जो कि बन चुके हैं, और इधर सलाद और उधर चावल और दाल बन गए हैं, तो अभी मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे तबीयत जब से ख़राब हुआ है अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो चक्कर जैसी महसूस हो रहा है, मतलब महसूस क्या, लग ही रहा है चक्कर। तो अभी खाना उना खाएंगे, और खाना उना खाने के बाद अब नाइट का समय हो चुका है, तो गुड़िया जी खाना लगा दीजिए। सर्दी भी हो गया क्या? सर्दी भी इनको हो रहा है। अब सोच रहे हैं कि गांव पर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुविधा नहीं, तो मेरी मम्मी हैं गुड़िया जी की मम्मी, मतलब हम लोग अकेले ही रहते हैं, संतोष और इस इनका जो छोटा भाई है वो भी आया हुआ है अभी, अंकित नाम है, तो हम ही लोग के देख रेख के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, ताकि मेरा भी तबीयत ख़राब है और गुड़िया जी का भी, तो इसलिए आए हुए। और सलाद में दोस्तों मिर्चा नहीं डाला हुआ है, क्योंकि मिर्चा नहीं मार्केट नहीं गए थे ना, और उसमें मतलब प्याज पड़े हुए हैं, तो प्याज चावल में नहीं खाना चाहिए, बट हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहीं हम लोग को जाना नहीं है तो खा लेते हैं। और अभी दाल, बहुत लोग कमेंट किए थे कि जो दाल है उसे मतलब एक कटोरा में मतलब देना चाहिए, तो प्रिया जी उसी समय से दे रहे हैं, तो थैंक यू, आप लोग अच्छे अच्छे सजेस्ट भी करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों अब खा लेते हैं, ऐसे रोटी हमें खाना था, क्योंकि फीवर मतलब कम हो गया, इसके वजह से मतलब चावल खा रहे हैं, और मतलब नाइट में ज़्यादातर हम चावल ही खाते हैं, क्योंकि मेरे दांत में थोड़ा प्रॉब्लम है जिसके वजह से। उधर पानी है जो कि हम रखे हुए रहते हैं इसी में, ताकि स्वस्थ रहे। तो चलिए गुड़िया जी लेकर आइए खाना उना, और उसके बाद खा लेते। इधर चीकू, खाना नहीं खाओगे तुम? खाना नहीं खाओगे? खा लो, दाल भात बन गया है बेटे, आ जाओ मेरे साथ खाओ। तो यहाँ पर रख दीजिए गुड़िया, कहाँ है वो बोरा, कहाँ है? दोस्तों नाइट का समय हो गया है, तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो रहे हैं, और मतलब रात में जो होती है तबीयत वो ज़्यादा हाई हो जाते हैं, यानी कि बुखार मेरा फिर चढ़ गया है, बुखार अभी चढ़ गया। गुड़िया जी का पैर है वो थोड़ा थोड़ा और फूलने लगे हैं, और चीकू तो अभी ठीक ठाक है, और सर्दी मेरे को नहीं था, फिर अभी सर्दी भी हो गई। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।